हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन इन माय लास्ट वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड विद यू। सो इन दिस लेक्चर आई एम टोटली फोकसिंग ऑन हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया स्टूडेंट्स? हाइपो इज लो एंड हाइपर मीन्स high. This is the condition. Okay. And what happens in hypoglycemia? There will be over secretion of insulin. Over secretion of insulin hormone. Insulin hormone ka over secretion hoga. Over secretion of insulin. और जब insulin over secrete होगा students, तो यहाँ पे जो glucose का level है वो कम हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और यहां पर क्या होगा, लेस सिक्रीशन होगा इंसुलिन का, लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, और इस वजह से जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए। जब यहाँ पे अंडर सिक्रीशन होगा, या फिर लेस सिक्रीशन को आप अंडर सिक्रीशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ सिम्टम्स आपको अगर बताऊँ हाइपोग्लाइसीमिया के स्टूडेंट्स, तो सिम्टम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, टायर्डनेस हो जाएगी, स्वेटिंग, फटीग एंड सम टाइम पर्सन में कोलैप्स हो जाए, पर्सन में कोलैप्स। In extreme cases, this can occur. These are the basic symptoms of hypoglycemia condition. And some conditions I am going to tell you about hyperglycemia. Here, blood glucose level will become high. I told you, and there will be increased in thirst. Patient को प्यास ज़्यादा लगेगी, thirst increase हो जाएगी, weight loss होगा, loss of weight. और समटाइम्स यूरिन विल पास इन, ग्लूकोज विल पास इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन इज प्रेजेंट। एंड दीज आर द बेसिक सिम्टम्स एंड दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।